Hello everyone, welcome you all to today's general knowledge class. Today we'll be studying chapter 7, National Parks in India. In this chapter, we are going to learn about the various national parks that are present in India and in which states they are located. Okay? So first of all, let me tell you what are the national parks. By the term national parks, what do you mean? National parks वो एरियाज़ होते हैं जिन्हें डेवलप किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन पर्पस और कंजर्वेशन पर्पस ऑफ द नेचुरल सेमी नेचुरल और द डेवलप्ड एरियाज़. कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें बचाना ज़रूरी है, जिन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. सो इन द नेशनल पार्क्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड वेयर द एनिमल्स कैन लिव एंड सर्वाइव सो दैट वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए कम्प्लीटली. जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है इन द नेशनल पार्क्स. अंडरस्टूड? नाउ इन दिस इन योर टेक्स्ट बुक मैच द फॉलोइंग दिया था. यहाँ पे साइड बाय साइड उसका रिस्पेक्टिव आंसर्स दिया हुआ है. जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फाउंड इन उत्तराखंड, बंदीपुर नेशनल पार्क फाउंड इन कर्नाटका, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इन गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, रणथंबोर नेशनल पार्क इन राजस्थान, पेरियर नेशनल पार्क इन केरला, दुधवा नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश, बेतला नेशनल पार्क इन झारखंड, सिमलीपाल नेशनल पार्क इन ओडिशा, वाल्मीकि नेशनल पार्क इन बिहार. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स व्हाट इज नेशनल पार्क एंड यू हैव टू रिमेंबर द वेरियस नेशनल पार्क्स दैट आर प्रेजेंट इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. थैंक यू स्टूडेंट्स. Take care.